press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया भारत पर। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहुत ही सशक्त और बहादुर महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनके साथ होंगी भारतीय सेना और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपको इसी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। यूसीसी की बात हो रही थी चुनाव से पहले की 100 दिन का जो पीएम मोदी का पूरा काम कार्यक्रम है कि 100 दिन के अंदर कौन कौन से बड़े बड़े काम करने हैं, तो उसमें यूसीसी भी सबसे ऊपर है। तब तो ये कहते थे कि हमारे शरिया के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह की योजनाओं का फायदा लेते हैं जो शरिया के हिसाब से आपके हिसाब से नाजायज है, हराम है, उन योजनाओं का फायदा आप ले लेते हैं, पैसा लेने के लिए भी आप सड़क पर खड़े हो जाते हैं, तब आपका शरिया बीच में नहीं आता क्या? तब आपका आपको ये नहीं लगता कि आप कुरान के खिलाफ चल रहे हैं? तो वो जो ठेकेदार है वो सहूलियत के हिसाब से मतलब शरिया को भी बदल देते हैं और कानून अपने कुरान में भी लिखी हुई बातों को पलट देते हैं। अंजू जी, आपको पता है कि मुसलमान पुरुषों की नजर में मैं इतनी बुरी क्यों हूं? मैं इसलिए बुरी हूं क्योंकि मैंने कई बड़े बड़े मुल्लाओं से ये पूछ लिया कि 72 वर्जिन हूर का जिक्र अल कुरान में कहां पर है, सिर्फ बता दीजिए, और नहीं है। पूरे 30 पारा में किसी भी आयत में, किसी भी सूरा में, किसी भी वर्सेस में, किसी भी अरबा में, किसी भी निस्ब में, किसी भी सलासा में, किसी भी खत्मुल कुरान में कहीं पर भी 72 वर्जिन हूर का जिक्र नहीं है, ये झूठ है। इसलिए मैं बुरी हो गई क्योंकि मैंने उनका हिजाब उठा दिया। मैं जब पूछती हूँ मुल्लाओं से कि आकर बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आप क्यों नहीं बात करते हैं, वो तो वुमेन एम्पावरमेंट की पहली मिसाल है हमारे मुस्लिम समाज के लिए। जब जब बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा शिक्षा के बारे में बात कर सकती हैं, तो हम शिक्षित क्यों नहीं हो सकते हैं? जब बीबी सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा जाकर के जंग के मैदान में तलवार उठा करके लड़ सकती हैं, तो हम क्यों नहीं आपसे लड़ सकते हैं? अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो भी लड़ सकते हैं। तो मेरा हमेशा मैंने हर जगह एक बात कही है कि ये जितने भी मुसलमान समाज के ठेकेदार बन करके बैठे हैं, ये अश्लील है, ये बेहुदा है, और ये अपनी दुकान को, अपने कारोबार को और अपनी लैविश लाइफ को चलाने के लिए इन्होंने मुसलमानों को चिटिंगबाज मुसलमान में कन्वर्ट किया है। इन्होंने मुसलमानों को इस्लाम से हटा करके औरंगजेब का ठरगजेब का फौज बनवाया है। एकदम सिंपल है। और आपको पता है कि गाली देने वाला मुझे सोशल मीडिया पर क्यों सिर्फ पुरुष होता है, क्यों होता है? मेरी शक्ल की बुराई करने वाला, मुझे मेरी माँ को गंदी गंदी गालियां देने वाला, क्योंकि पुरुष जो होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, वो बहुत उनके अंदर बहुत डिक्टेटरशिप होता है। उनको लगता है कि अगर दोपहर में चांद निकलता है तो मुस्लिम महिलाओं को मानना पड़ेगा कि चांद निकलता है। अब महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी मुसलमान, वो बहुत फॉरवर्ड हो जाएंगी, वो बहुत पढ़ी लिखी हो जाएंगी, तो वो सीधा बोलेंगी ए अभी सूरज निकला हुआ, चांद नहीं निकला हुआ, हम नहीं बोलेंगे। इसी डर से उन्होंने मुसलमान बेटियों को हिजाब में लिपटा करके रखने की बात कही है, और अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अल कुरान के खिलाफ नाउज़ुबिल्लाह जा करके ये लोग अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और पैसे के लालच में इस्लाम को मानने वाले को चिटिंगबाज मुसलमान में कन्वर्ट करवा चुके हैं भारत में। नाज़िर जी, हमने चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले भी बहुत बात की इस मुद्दे पर कि पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक को खत्म करवा के बहुत बड़ा काम किया था। बहुत सारी योजनाएं आपने गिनाई शुरुआत में कि कौन कौन सी थी जिनसे फायदा हुआ मुस्लिम महिलाओं को, लेकिन आपको लगता है कि मुस्लिम महिलाओं ने इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया? देखिए, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और जो मेरा ब्लूप्रिंट था उसमें 20 करोड़ के मुसलमान में 18 करोड़ इस्लामिक मुसलमान है, औरंगजेब के फॉलोअर है, और 2 करोड़ संविधानिक मुसलमान है। उस 2 करोड़ मुसलमानों ने मोदी जी को वोट किया है जो संविधानिक मुसलमान। अगर मुस्लिम फैमिली में कोई बच्ची अगर क्लास 10 भी पढ़ी हुई है, क्लास 12 भी पढ़ी हुई है, तो वो मोदी जी को सपोर्ट करती है। मुस्लिम फैमिली में अगर कोई लड़का शिक्षित है तो वो मोदी जी को सपोर्ट करता है। मुस्लिम कम्युनिटी में
अगर कोई सुन्नत रसूल की दाढ़ी रखने वाला और टोपी पहनने वाला भी अगर शिक्षित है, अकेडमिक क्वालिफिकेशन लेकर चल रहा है, तो उसने भी मोदी जी को वोट किया है। मैं जिस चैम्बर में बैठी हुई हूँ उसके ठीक ऑपोजिट में 39 वार्ड है कोलकाता में, जिसमें 99% मुस्लिम है और जिसमें से 37% वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट तापस रॉय को गया है। मुसलमानों ने वोट किया है तापस रॉय को। ये मैं आपको एकदम एक्यूरेट आंकड़ा दे रही हूँ। तो मुसलमानों ने 2 करोड़ संवैधानिक मुसलमानों ने मोदी जी को वोट किया है, पर 18 करोड़ जो चिटिंगबाज इस्लामिक मुसलमान है, जो ना इस्लाम मानते हैं ना संविधान मानते हैं, वो सिर्फ मुल्ला मौलवी को मानते हैं, उनको बहकाने में राहुल गांधी सफल रहे और इंडिया अलायंस भी सफल रही, क्योंकि वो एक वीक कड़ी थी कि इनको ही हम बहका सकते हैं, इसके अलावा हम किसी को बहका नहीं पाएंगे। और वो उसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। लेकिन देखिए, हमेशा झूठ का हिजाब खुलता है और आज जिस हिसाब से मेरी मासूम हिजाबन बहनें आज खड़ी हैं मैदान में रोड पर 1 लाख रुपया खटाखट लेने के लिए, ये क्या है? ये इस्लाम की बेइज्जती है, ये इस्लामिक मुसलमान बहनों की बेइज्जती है। मेरा इस्लाम खतरे में आ चुका है कांग्रेस की वजह से। और मैंने तो ट्वीट भी किया राहुल बाबा को कि जनाब राहुल गांधी जी, इन मुसलमान हिजाबन को इमीडिएट पैसा दे दीजिए, क्योंकि इनको आप कमजोर मत समझिए। इन हिजाबन बहनों में कई ऐसी हिजाबन होंगी जो अलकायदा से कनेक्टेड होंगी, क्योंकि मुस्कान थी ना भाई अलकायदा से कनेक्टेड, उसके चीफ अलकायदा का चीफ मुस्कान के समर्थन में खड़ा हुआ था ना। तो ये तो राहुल गांधी जी ने बहुत गलत किया है। अब कहीं अलकायदा का चीफ जो है वो गुस्सा हो गया तो ये तो देश को फिर संभालना पड़ेगा और उंगली उठ जाएगी फिर प्रधानमंत्री पर। पर नाजिर जी, ये जो फेक प्रोपेगेंडा चला, जैसे ये गारंटी कार्ड बांटा गया गांव गांव में जाकर, अमित शाह जी का एक पुराना एक वीडियो था आरक्षण को लेकर, उसको भी एआई के जरिए अपने हिसाब से उन्होंने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। जितने भी दूर दराज के इलाके हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश में तो खैर जादू नहीं चला, लेकिन महाराष्ट्र में ये सब कुछ हुआ कि बड़े बड़े स्क्रीन पर बहुत सारे प्रोपेगेंडा चलाने वाले यूट्यूबर्स के वीडियोज दिखाए गए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उस प्रोपेगेंडे को काउंटर नहीं कर पाई, ये भी तो सच है ना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल को, के इकोसिस्टम को जितना स्ट्रांग होना चाहिए था वो स्ट्रांग नहीं हो पाए, नहीं हो पाए। और हमेशा गलतियों से सीखना चाहिए। और मैं जितने साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही हूँ, मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों से सीखती है। हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। बादाम खाने से अकल नहीं आती है, चोट खाने से बहुत जल्दी अकल आ जाती है, बहुत जल्दी। तो ये जो आईटी सेल का इकोसिस्टम था वो कहीं ना कहीं राइट विंग वालों की बातों को जितनी दूर भारत भारत में हर एक गलियों में पहुंचाना था वो पहुंचाने में असफल रहे हैं। और ये मानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि आखिर जर्मन से बैठा एक जर्मनी कॉकरोच एक वीडियो बनाता है और वो 1 घंटे में 1 मिलियन होता है, और जो व्यक्ति योजनाओं पे बातें कर रहा है, जो व्यक्ति भारत के सिक्योरिटी की के इम्प्रूवमेंट पे बातें कर रहा है, जो भारत के डेवलपमेंट पे बातें कर रहा है, वो सारे लोगों तक नहीं पहुंच ही नहीं पाया। हम जब मंच पर चढ़ करके स्पीच देते हैं तो कितनी आवाज जा सकती है। मैं बहुत अगर ज्यादा काउंट कर लूं तो 5 लाख लोग सुनते होंगे, लेकिन इकोसिस्टम जिस हिसाब से इंडिया अलायंस का काम किया बहकाने में, उस हिसाब से 20% भी सुलझाने का काम भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम ने और आईटी सेल ने नहीं किया है। और मानना चाहिए इस बात को, गलतियां एक्सेप्ट करनी चाहिए और आगे चल करके बहुत सारे राज्यों में विधानसभा का इलेक्शन है, इस बात को इंपॉर्टेंस दे करके सामने रखा जाए। और आईटी सेल की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन यूट्यूबर्स को, उन इन्फ्लुएंसर को आगे रखे जो वाकई में देश की भलाई पर बात करते हैं और डेटा के साथ बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि हवाबाजी करते हैं, जो कहते हैं जनता को कि भैया मैं जो बोल रहा हूं या बोल रही हूं अगर इसमें कोई गलती है तो इमीडिएट आप एक्शन लो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच है कि जो एक फेक नैरेटिव घड़ा गया विपक्ष की तरफ से, उसको काउंटर नहीं किया गया बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से बहुत
जिसे कहते हैं कि कामयाबी के साथ, इसीलिए दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी सच है जो आपने कहा है राहुल गांधी से कि भाई जो पैसे प्रॉमिस किए थे, जो वादा किया था 8500 हर महीने इन सबके खाते में डालने का, कम से कम वो पैसा दे दीजिए, वरना इसका गलत परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। आपने एक आगाह किया और मैं तो चाहती हूँ कि आपने जो रिट पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, उसका फैसला जब आएगा तो मैं फिर आपसे बात करूंगी। लेकिन आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि 99 लोग जो जीत कर आए हैं कांग्रेस की तरफ से, इन सब की जो सदस्यता है ये वाकई रद्द होनी चाहिए। आपने इस विषय पर जो विस्तार से जानकारी दी मेरे दर्शकों को और मेरे लिए समय निकाला नाजिया जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे आपने देखा भारतीय बेटी नाजिया लाई खान जी ने हमें बताया कि कैसे प्रधानमंत्री योजनाओं को सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिला तो वो मुस्लिम समुदाय को मिला, इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। शायद ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा फेलियर था कि बीजेपी अपने नैरेटिव को लोगों तक पहुंचाने में असफल रही और वहीं कांग्रेस इस मामले में सफल रही। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।